दिल्ली में एक फैसला आ गया है, दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब उम्र 25 से 21 कर दी जाएगी शराब खरीदने की। ऐसे में हमारे साथ में भाजपा के दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी राष्ट्रीय दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य हैं भगवत रुस्तगी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में, क्या कहेंगे इस फैसले पर आप? मैं सबसे पहले आपके इस टीवी चैनल को बधाई देता हूँ कि आपका जो टीवी चैनल है ये अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करता है जी। और जब जब दिल्ली में कुठाराघात हुआ है युवाओं के साथ, आपके टीवी चैनल से उसको बराबर उजागर किया है, लोगों को सावधान किया है, जगाया है जी। मेरा निवेदन इतना है केजरीवाल से कि केजरीवाल सरकार आप दिल्ली का डेवलपमेंट करें जिस कारण से आपको चुन करके भेजा है जी। आपने लॉकडाउन के अंदर भी शराब की दुकान खोल दी, आपने बिजली पानी फ्री करके लोगों को भ्रमित किया और आज आप पब खोल रहे हैं जहां पर हमारे नौजवान और हमारी बहनें बेटियां जो नौजवान हैं वो बर्बाद हो जाएं। मैं आपको आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं केजरीवाल को जी। कि केजरीवाल बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जी। दिल्ली इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर और अच्छी दिल्ली थी, आपने 21 साल की उम्र करके आपने घर को बर्बाद किया है, नौजवानों को बर्बाद किया है, भ्रमित किया है, उनको एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए था, उनको उनके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए था। और मैं इतना निवेदन कर रहा हूँ कि आप देश हित में कोई काम नहीं कर रहे, आप किसी सोची समझी साजिश के तहत किसी बाहर के विदेशियों के कहने पर आप देश के साथ एक घिनौना काम कर रहे हैं जी। या तो आप समझ जाइए, नहीं तो दिल्ली की जनता सड़क पर उतर करके आपका घेराव करेगी और इसको तत्काल प्रभाव से जी। ये जो आपने फैसला जो लिया है इसको तत्काल प्रभाव से रद्द किए, नहीं तो गरीब को मत सताओ केजरीवाल, गरीब रो देगा और जब गरीब रो देगा तो तुम्हें जहां से खो देगा। इसलिए आपको चेतावनी है कि आप इस फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस ले और दिल्ली को सुधार और डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाए, दिल्ली को बर्बाद करने की ओर ना ले जाए जी। भगवत जी, राम मंदिर बनाने के लिए जो ट्रस्ट है अब इस समय पर लोगों के बीच में उतर रहे हैं रिसिप्ट लेकर के चंदा इकट्ठा करने के लिए, बीजेपी के या आरएसएस के कुछ लोग आते हैं, ऐसे में कुछ फर्जी लोग भी आ रहे हैं, रिसिप्ट छपवाई है और कह रहे हैं चंदा इकट्ठा कर दीजिए, ऐसे में कैसे जागरूक करेंगे लोगों को और क्या अपील करेंगे? देखिए, हमारे जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और विश्व हिंदू परिषद के और उसके साथ लगते हुए सेवा भारती है, विद्यार्थी परिषद है, किसान संघ है, भारतीय जनता पार्टी है, युवा मोर्चा है, ये सारे लोग मिल करके घर घर पर जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि हमको वानर बनना पड़ेगा, हमको नल नील बनना पड़ेगा, हमको गिलहरी बनना पड़ेगा और हम हनुमान, हमें से कोई ना कोई हनुमान भी बनेगा। और एक घोषणा ये कर रहे हैं कि 1,000 रुपया दे दे रे भैया, रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। इस जागरण के साथ हम उन मंसूबों को ध्वस्त करेंगे जो राम की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कम से कम ये जो घिनौनी हरकत कर रही हैं ये हिंदू समाज का कोई आदमी नहीं कर सकता, ये दूसरे ही लोग जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, पंथ के लोग हैं, वो इस प्रकार मौका की तलाश करते हैं और उनके मंसूबे को हम कभी भी किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे और हम पूरे दिल्ली में नहीं पूरे भारत में अपने युवा शक्तियों के साथ और संगठन के साथ मिलकर के इसका विरोध करेंगे और घर घर जाकर के उनको बताएंगे कि ये नकली हैं, ये भारत विरोधी हैं, ये राम विरोधी हैं, क्योंकि राम हमारी देश की पहचान है, हमारी आस्था है, हमारा प्राण है, देश राम हमारी देश की अस्मिता है, हम इसके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही बात है, आपने भगवत जी को सुना, इनकी बातों को सुना, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप भी
अलर्ट हो करके जिसको भी आप चंदा दे रहे हैं वो वाकई में आपके क्षेत्र के आरएसएस से संबंधित लोग हैं या फिर झूठे तौर पर आपसे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। सर, भारत टीवी परिवार की तरफ से आज आपका जन्मदिन है, उसके लिए भी हम ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां देते हैं। आपका जीवन मंगलमय रहे, ऐसी हम सभी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और मैं तमाम समस्त भारतवासियों से, दिल्ली वासियों से, क्षेत्रवासियों से निवेदन कर रहा हूं कि आपके घर पर कोई राम जन्मभूमि की पर्ची लेकर के या संघ का स्वयंसेवक या भाजपा का कार्यकर्ता या विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है, उन्हें ही चंदा दीजिए, अन्यथा किसी और को चंदा देने का आप प्रयास ना करें। ऐसे लोगों से सावधान रहें, आप भी सावधान रहें, औरों को भी सावधान करें। इतनी बात कह करके मैं अपने जन्मदिन पर अपने क्षेत्रवासियों को और ख़ास तौर से भारत टीवी को और कविता जी को, उपाध्याय जी को मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये टीवी चैनल आपको हमेशा अवगत कराता रहेगा, जागरूक करता रहेगा, और मैं निवेदन करूंगा इस टीवी चैनल को, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ईश्वर का हुक्म है, यही भगवान राम का संदेश है, यही भगवान कृष्ण का संदेश है।